नमस्ते, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। तो मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी शालू। तो फ्राइडे सीरीज का ये फर्स्ट डे है। फ्राइडे या संडे दोनों में से कोई भी एक दिन मेरी जो है वीडियो आएगी। मैंने पहले भी आप लोगों से साझा किया था, तो आज है इसके फर्स्ट डे। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं शेयर करूंगी ना कि इस साड़ी को मैंने बहुत ही डिफरेंटली डिजाइन किया है। देखने में लगेगा कि हाँ बस सिंपल सी साड़ी है, लेकिन इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर की है। ये शॉर्ट्स के थ्रू मैंने शेयर किया, लेकिन सोचा कि डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो अगर आप इस तरह का कुछ डिजाइन करना चाहो तो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी स्क्रैच से मिलता है, ये साड़ी मैंने स्क्रैच से ली थी और ये साड़ी का जो ये जो नेट है ना वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में मिला था। 5.5 मीटर मतलब जितनी एक साड़ी रहती है, भैया ने कोट ही करा था कि हम 100 रुपीज लेंगे। तो 100 रुपीज में मैंने ये साड़ी ली थी। इसमें आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है, लाइक येलो का शेड है एंड मरून का शेड है। तो मेरे दिमाग में क्लियर इमेज थी कि जो इसका लेस मैं लगाऊंगी वो मरून में ही लगाऊंगी, बट मुझे था कि अभी सब बिसाची लेस या इस तरह की जो लेस है ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, मुझे था कि मैं इस तरीके का कुछ लगाऊंगी। लेकिन जब मैं मार्केट गई सब बिसाची किरण लेस को ढूंढने, तो एग्जैक्टली जो मुझे पसंद आ रहा था वो मुझे एक साड़ी का पड़ रहा था 200 रुपीज। ऑनेस्टली मैं उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी इस लेस में मेरी, आप ये जो मरून कलर का लेस देख रहे हो ना, ऑलरेडी मैंने इसको 160 रुपीज में एक साड़ी का लिया था। भैया ने 160 रुपीज में दिया था। इस पे वेलवेट की बहुत ही सुंदर सी कढ़ाई है, तो मुझे वेलवेट एंड मरून था तो मुझे ये बहुत अच्छा लग गया एंड ये मेरी साड़ी के थीम के साथ जा रहा था। तो ये जो आप लेस देख रहे हो ये मुझे 5 रुपीज मीटर पड़ी थी, तो ये मुझे एक साड़ी का 60 रुपीज या फिर 50 रुपीज के अराउंड पड़ा था। सबसे पहले साड़ी की कॉस्टिंग हो गई 100 रुपीज, 160 मैंने इस लेस के चार्ज किए और 50 रुपीज मैं इसको अगर इंक्लूड करती हूँ 110 रुपए टोटल इसमें मेरे 310 रुपए साड़ी में लगे। फॉल का मैंने 20 रुपीज दिया, मतलब 330 रुपीज। नाउ ये तो बात होगी सोर्सेज की, मैंने कैसे कैसे क्या सोर्स किया। तो जब भी आप 2 से 3 लेसेस को कंबाइन करते हो तो पहले आपस में लेस को स्टिच करो, मतलब ऐसा नहीं है कि साड़ी में आपने एक लेस स्टिच की फिर दूसरी लेस स्टिच की, ऐसा नहीं करना। ऐसी बहुत सारी सिलाइयां आपकी साड़ी में लग जाएगी। तो मैंने एक साथ 2 लेस को स्टिच करा। नाउ बात आती है कि बहुत लोग जो बिगिनियर है स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो तो साड़ी के किस पोर्शन से, मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि जो पोर्शन है कहाँ से हमने स्टार्ट करना है लेस को लगाना। तो सब आपको 1/2 मीटर कपड़ा छोड़ना है, 39 इंच का 1 मीटर होता है, तो उसका हाफ आपने इंची टेप को फोल्ड कर देना है, उसका हाफ आपने लेना है एंड वहां से लेस को स्टिच करना है। बट मैंने इसमें दूसरी टेक्निक लगाई है, 1/2 मीटर कपड़ा को मैंने छोड़ा, उसके बाद में मैंने साड़ी को डायरेक्टली फ्रंट पे नहीं लगाया, मतलब सीधी साइड में नहीं लगाया, मैंने लेस की मतलब साड़ी की उल्टी साइड में लेस को रखा एंड लेस को रख के पहले पीछे से मैंने सिलाई करी है। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, ये देखो ये जो आप सिलाई देख रहे हो ना, पीछे से मैंने सिलाई करी, उसके बाद में मैंने इसको सामने की तरफ फ्लिप करके इसको सिला है। ऐसे लेस की जो मतलब फिनिशिंग आती है ना बहुत बहुत सुंदर सी आती है। आप देखो पूरी साड़ी मैंने इसी तरीके से स्टिच की है, उल्टी साइड में स्टिच करके लेस को रख के एंड फ्रंट के साइड में इसको फ्लिप करा है। तो इस तरह से अगर आप साड़ी में लेस लगाते हो, इसलिए मुझे लगा कि इसमें कुछ मैंने नया क्रिएट करा है, कुछ नया बताया है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप दूसरी जो दिक्कत आती है जब हम साड़ी बनाते हैं कॉर्नर पे, पर ट्रस्ट में कॉर्नर बनाना इतना ईजी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। जब भी आप कॉर्नर पे पहुंचते हो सुई को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद में आपको बस साड़ी को घुमा देना है एंड लेस को पकड़ के घुमा देना, वो देखोगे कि वो जो कॉर्नर का शेप है ना वो खुद ब खुद ले लेता है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है एंड ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मैंने घर पे बनाया, ऐसा लग रहा है कि मैंने टेलर से अच्छे से बनवाया है। एंड बैक साइड का भी देखो कितनी फिनिशिंग के साथ में, कोई भी 19-20 ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आप कॉर्नर को भी बना सकते हो। इसकी ब्लाउज की अगर मैं बात करूं तो इसका ब्लाउज के लिए मैं थी कि मुझे येलो कलर का कुछ चाहिए क्योंकि इसमें जो येलो का टिंट है ना बहुत रेयर है। आप मेरे फैशन चैनल पर अगर मुझे फॉलो करते हो तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी आपको पता होंगे कि आप साड़ी के साथ में ब्लाउज को किस तरह से मिक्स मैच कर सकते हो। नहीं देखा तो एक वीडियो में दे दूंगी, उसको चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो जब साड़ी में कोई कलर बहुत कम रहता है तो उसका अगर आप ब्लाउज बनवाओगे ना तो साड़ी बहुत उठ के आती है। तो मैंने येलो कलर का कपड़ा लिया, ये भी कपड़ा मैंने सिर्फ 25 रुपीज में लिया था, लेकिन ये मैंने खुद से स्टिच नहीं करा, मैंने टेलर से स्टिच करवाया, तो टेलर ने चार्ज किया 230 रुपीज। तो 230 रुपीज का एक
मैंने सॉलिड ब्लाउज बनाया, मतलब अगर मैं चाहती तो उसमें मरून कलर का पाइपिंग दे देती, लेकिन जब क्या होता है ना, जब कंट्रास्ट में पाइपिंग के साथ हम कोई ब्लाउज क्रिएट करते हैं तो वो बहुत लिमिटेड हो जाता है उसको स्टाइल करना। तो मैंने आंटी को बोला था कि मुझे सिंगल कलर का ही ब्लाउज चाहिए, येलो कलर का जो आप है ब्लाउज में, कोई पाइपिंग आप एक्स्ट्रा एडिशनल उसमें ऐड मत करना। तो बस मैंने सिंपल एक ब्लाउज बनाया। तो ये ब्लाउज मैं डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट के साथ में बनाया, इसे मैं डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज के साथ में बहुत ही इजीली स्टाइल कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं पहना हुआ ये कैसा लगता है, जो आउटकम है कितनी अच्छी आई है। तो टोटल ब्लाउज एंड साड़ी को लेके मुझे 560 रुपीस पड़े, मतलब अराउंड 600 में। 600 में एक बुटीक स्टाइल डिजाइनर स्टाइल मैंने साड़ी रेडी कर ली। जिनको नहीं पता है वो मेरी साड़ी को देख के सोचेंगे कि हाँ 1000 के अगर की ये साड़ी है, तो बहुत ही इजीली। एंड देखो सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, जो DIY जो क्रिएटिविटी होती है ना, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि मेरे पास जो है वो दूसरे के पास नहीं होगा जब हम DIY करते हैं। क्योंकि दुकान पे जब हम कपड़ा देखते हैं तो जब एक ट्रेंड चलता है ना, तो वैसे ही फैब्रिक्स आपको बहुत के पास मिलेंगे, बट जो आप खुद से रिक्रिएट करते हैं ना, वो एक यूनिक पीस होता है जो आपके अलावा और किसी के पास नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड इसके पहले मैंने ये वीडियो शेयर की थी कि आप अपने फटे हुए ब्रा को या फिर आपके पास जो भी फटे हुए कपड़े हैं इसी चैनल पे कि किस तरह से रियूज कर सकते हो, उसको आप चेक कर सकते हो, होम मेकर हो तो किस तरह के ब्लाउजेस आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। तो सबसे रिलेटेड वीडियो को मैं ऐड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप चेक करना। तो कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बताइएगा। एंड हर एक फ्राइडे एंड संडे वेट करिएगा मेरी वीडियो की, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो ये जो सूट मैंने पहन के रखा हुआ है, मैंने अपने फैशन चैनल पे शेयर किया कि गर्मियों के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं घर पे, उसको भी मैं ऐड स्क्रीन में लगा दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय।